छू तो वो भी लेते हैं दिल जो कल तक साथ चलने के वादे किया करते थे। मुझ में और उनमें फर्क बस इतना है कि मैं आपको अक्स दिखा रहा हूं और वो अक्स छुपा रहे थे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी दुनिया में। मैं महज लव्स नहीं जज्बात लिखता हूं, द ऑफिशियल पर्सनालिटी। सब्सक्राइब और फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एंड स्वागत है आपका दिल से दिल की बात के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। सो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो आपकी जिंदगी में आते तो सही हैं, साथ चलने के वादे तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं रास्तों में आपको घुमा देते हैं। हमने किसी पे भरोसा किया, हमने किसी के साथ साथ चलने का वादा किया और वो वादा वहीं टूट गया। जाने अनजाने काफी बार हमारे साथ एक ऐसे मुसाफिर साथ चल पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही भी होते हैं, कहीं ना कहीं गलत भी। जिंदगी में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होता जो आपको सारी खुशियां एक साथ दे दे। छोड़ना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में हर एक चीज का एक दौर होता है, एक वक्त होता है। जब तक किसी रिश्ते में इज्जत कायम है, जब तक किसी रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग कायम है, तभी तक वो रिश्ता आगे चल सकता है। रिश्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आप चार दिन साथ में घूमें और चार दिन साथ में घूमने के बाद आप एक दूसरे को छोड़कर ब्रेकअप और पैचअप की बातें करने लगे। कुछ चीज़ें जिंदगी में ना सिर्फ हमें एक सबक देने के लिए आती हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एट एन ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हर किसी के साथ जिंदगी में हर सेकेंड पर घटित हो रही हैं, पर हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों अक्सर हमारा ही दिल टूटता है? क्यों अक्सर हमारे दिल में ही ये चीज़ें आती हैं कि वो इंसान जिससे हमने बेहद प्यार किया आज वो हमारे साथ नहीं है। काफ़ी बार उड़ते समय आपको आपके साथ मुसाफिर मिल जाते हैं जो आप ही की राह पर चल रहे होते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता वो मुसाफिर आखिरी दम तक आपके साथ चलेगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अपने पार्टनर को बहुत वाइजली चूज़ करिए। आज की डेट में यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड हो चुका है कि हम 2 सेकेंड लगाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। हम ये नहीं सोचते कि यार हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी सामने वाले इंसान के साथ बैठ रही है। 2 दिन की अट्रैक्शन, 2 दिन की लाइकिंग, फेसबुक या सोशल मीडिया का प्यार और सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, और यही रीज़न होता है कहीं ना कहीं कि आज रिश्ते सबसे ज़्यादा टूटते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अपने ध्यान में रखना है, और अगर दिल नहीं तोड़वाना अपना, दिल तो देखो कभी टूटता ही नहीं है। अक्सर बात ये होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, हमारे दिल की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं सामने वाले से, वो टूट जाती है। तो अगर इन एक्सपेक्टेशंस को टूटने से बचाना चाहते हैं तो अपना पार्टनर बहुत वाइजली चूज़ करिए, उस इंसान को प्यार करिए, उस इंसान से मोहब्बत करिए जो आपसे मोहब्बत करता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दिस इज़ साहिल शर्मा साइनिंग ऑफ़।